अरे आइल बसंत कुल, अरे देखा तो पियरी हो जैसे जैसे ओढ़े धरती माई मोरी धानी चुनरी हो जैसे यही तर्जिया में एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत बा। अपने तिरंगा के बारे में कवि ने लिखा, अरे झंडा तिरंगा मोरे, अरे गगन में लहरी हो चाहे चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो चाहे कवि ने लिखा कि हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज पूरे विश्व में सम्मानित है बाबूजी। ऐसा झंडा किसी भी राष्ट्र का नहीं है। ई हो तिरंगा मोर आन बान शान हो, यही के करनवा केतना दिहले या पंजान हो, अरे देखे यही का दुश्मन, अरे काढ़ी ले पुतरी हो चाहे चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो चाहे तिरंगे में 3 रंग हैं बाबूजी, इसलिए तिरंगा कहा गया। कहना है कि पहला रंग जिसे केसरिया के नाम से कहते हैं, रंग केसरिया याद दिलावे कुर्बानी, श्वेत रंग शांति के कहेला कहानी, सफेद रंगवा के बीच में एक ठी चक्र बा, अरे श्वेत रंग बीचे चक्र, अरे प्रगति के प्रहरी हो चाहे चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो चाहे जनवरी हो जाए।
सबसे नीचे एक रंग है बाबूजी, इसे हरे के नाम से जानते हैं। हमारे तिरंगे की यही विशेषता है, तीनों रंग विश्व को कोई ना कोई संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। कहना मास्टर, हरा रंग हरदम कहत पुकार हो, हरा रंग पेड़ रोपी करा धरती माई के सिंगार हो, अरे रही है पेड़ हरदम कायम, अरे रहे हरियरी हो चाहे चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, चाहे कहना है इस तिरंगे की शान के लिए हमारे देश का एक एक सिपाही, एक एक व्यक्ति, जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कई कमाल हो, अनेकता में एकता के सच्ची मिसाल हो, अरे हम सब भाई भाई माई, अरे धरती हमारी हो चाहे चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, चाहे अंत में कवि ने लिखा, राम यस माधव सबसे कहत पुकार हो, दिनेश के उसे कारो ना गलत व्यवहार हो, गलत व्यवहार हो,
एकता में एकता के अरे बाजे खंजरी हो चाहे चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो चाहे